नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेक एआई स्टूडियो की। फेक एआई स्टूडियो मतलब वैसे स्टूडियो बनवाने में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। लगभग लोग क्या करते हैं, ग्रीन स्क्रीन या ब्लैक स्क्रीन का सहारा लेके बैकग्राउंड में अपना एक स्टूडियो दिखा देते हैं। ऐसा फ़िलहाल में मैं भी करता था कुछ हद तक, लेकिन अब करना छोड़ दिया। लेकिन काफ़ी हद तक ठीक भी है और नहीं भी है। लोगों को रियलिटी भी पता चलनी चाहिए, और कुछ लोगों का मानना होता है कि ऐसा नहीं है भाई, तो रियलिटी दिखाने में मुझे ज़्यादा बेहतर फील अच्छा फील होता है हमेशा से। तो मैं सोचता हूँ कि जो ब्लैक या ग्रीन स्क्रीन का जो बैकग्राउंड के साथ फेक एआई स्टूडियो दिखाता था, वो मैंने छोड़ दिया दिखाना। अगर आप चाहें तो दिखा सकते हैं, और कैसे बनाना है वो सारा का सारा वीडियो आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको पहले मैं दिखा दूँ। उसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। ग्रीन स्क्रीन पे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे ब्लैक पे भी हो जाता है, ब्लैक में, लेकिन बैकग्राउंड जब ब्लर करते हैं तो बाल भी साथ में ब्लैक हो जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं। तो अधिकतर लोग ग्रीन स्क्रीन का यूज करते हैं। ग्रीन स्क्रीन काफ़ी हद तक ठीक भी है। तो ग्रीन स्क्रीन के लिए पहले तो हरे रंग का कपड़ा लेना है 3 से 4 मीटर, और जहाँ बैठे जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और पीछे के साइड कपड़ा को लगा देना है, ठीक है। दीवार पर पोस्टर की तरह कपड़े को लगा देना है। लगाने के बाद आपको वीडियो को शूट कर लेना है, सिंपल सा। शूट करने के बाद आगे की प्रोसेस क्या है वो मैं सारी की सारी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और उससे पहले नो कॉपीराइट एक इमेज को डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपका गूगल पे मिल जाएगा। हो जो पीछे आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं उस हिसाब से जो भी आपको इमेज ठीक लगे वो डाउनलोड कर लेनी है। और अगर आप चाहें तो क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं डिस्प्ले पे, अभी आप देख सकते हैं मॉडिफाइड इमेज, ऐसा इमेज बना भी सकते हैं। बनाने के लिए बहुत सारे वीडियो हैं, जैसे थंबनेल बनाते हैं वैसे इसको भी बना सकते हैं। अगर कमेंट करते हो तो इस पर भी वीडियो बना दूंगा। ऐसा फ़ोटो बनाने के बाद अपने बैकग्राउंड में लगाना कैसे है, कैसे कंप्लीट तरीके से वॉइस ओवर वगैरह वगैरह करना है, सारी की सारी चीज़ आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे वीडियो को कम्प्लीट तरीके से बनाते हैं। चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि कैनमास्टर को खोल लेना है। सिंपल सा कैनमास्टर को जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ से 9:16 की डिस्प्ले को ले लेना है पहले। तो भाई खोल जा, थोड़ा टाइम ले रहा है, और मैं आपको कंप्लीट तरीके से बताऊंगा इस वीडियो में कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद 9:16 की डिस्प्ले पहले नंबर पर ही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने जो भी इमेज डाउनलोड की है या बनाया है एआई स्टूडियो, तो उसको सबसे पहले आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है बैकग्राउंड में। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा गैलरी पर ऑप्शन मिल ही जाएगा आपको यहाँ से। मैं पहले तो ब्लैक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यार इसको हटा ही देते हैं, ब्लैक को, ब्लैक ठीक नहीं है। मैं उसी को डायरेक्टली सिलेक्ट करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वीडियो देख रहा था पहले, लेकिन वीडियो देखने से पहले मैं पहले वही सिलेक्ट करना चाहूँगा। इसको मैंने कर दिया डिलीट, और चलिए यहाँ से हम आपने जो इमेज बनाई है या डाउनलोड की है उस इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा एक एआई स्टूडियो, फेक एआई स्टूडियो जो ये है, जो मैंने पहले तो डाउनलोड किया, फिर इसमें कुछ मॉडिफाइड करके इसमें लगा दिया डिस्प्ले पर, ठीक है। और इसको मैंने जैसे ही खींच के इतना बड़ा कर लिया है, तो आप कंप्लीट तरीके से देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि मैंने बैकग्राउंड में इसको फ़ोटो को लगा दिया, और आपको ये एक ग्रीन स्क्रीन का वीडियो ले लेता हूँ। अब ग्रीन पर्दा तो मेरे पास पीछे लगा नहीं है, अभी मैंने लगा के नहीं रखा, लेकिन जो दीवार है वो ग्रीन ही है। तो चलिए दीवार को ब्लर करके दिखाने वाले हैं इस कंप्लीट तरीके से। आपको क्या करना, सिंपल सा जो भी आपने वीडियो को शूट किया ग्रीन पर्दे पे, उस वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। एक वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना, सिंपल सा राइट साइड में आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल करने के बाद क्रॉप का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, क्रॉपिंग का, ठीक है। क्रॉपिंग करके उतनी इमेज को रखिए जितना कि आप दिखते रहें, एक्स्ट्रा इमेज को हटा देना है, ठीक है। इसे इनेबल कर देना है और ओके कर देना है। अब आपको क्या करना, थोड़ा और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको सिंपल सा एक ऑप्शन दिख जाएगा क्रोमा की का, क्रोमा की पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसे इनेबल कर देना है। अभी जो मेरा कलर येलो लगा है, इसको मैं थोड़ा हटा के ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। कलर
जौन सा कलर आप इसमें सेलेक्ट करेंगे वही कलर गायब हो जाएगा। इसमें मैंने ग्रीन को कर दिया और आप जो दो लाइनें दिख रही हैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके कंप्लीट तरीके से अच्छे से मैच करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा कम ज़्यादा ब्लर होता है और नीचे वाले से आपका चेहरा जो है वो स्पष्ट तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं पीछे का दीवार लगभग गायब ही हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं जो डोरी वगैरह और जो चीज़ें टंगी हुई हैं उन चीज़ों की अभी ये केवल फ़ोटो दिख रहा है पीछे। अगर आप ग्रीन स्क्रीन पर करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, कंप्लीट तरीके से ब्लर कर देगा ये पीछे का और केवल आप ही दिखेंगे। बशर्ते ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको टी शर्ट या कमीज जो कुछ भी है आपको उस कलर के कपड़े नहीं पहनने ग्रीन कलर के, तो आप इसको छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से जहाँ भी सेट करना चाहें वहाँ सेट भी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। जितना भी बड़ा चाहें बड़ा कर सकते हैं, छोटा चाहें छोटा कर सकते हैं कंप्लीट तरीके से, तो ये काफ़ी बेहतर है। और आप करते हैं तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपका चैनल किस कैटेगरी का है ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो ये सब करने के बाद आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, वॉइस ओवर करना है तो वॉइस ओवर कर सकते हैं और वीडियो डायरेक्टली शूट करते हैं तो वॉइस ओवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ भी दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली गैलरी में जाकर उसको डिस्प्ले पे दिखा सकते हैं और एडिटिंग उसी प्रकार से होगी सारी की सारी। और अगर आप चाहते हैं कि भाई इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाए कि कैसे कंप्लीट तरीके से एक फेक AI स्टूडियो बनाते हैं तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। पिक्सल लैब से आप इस इमेज को क्रिएट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल से, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। भाई लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छा लगता है फिलहाल में। चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।